दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 15 अक्टूबर को अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ा आंदोलन युवा मंच और अन्य कई साथियों की तरफ से किया गया, जिसमें संख्या बहुत अच्छी रही। हमारी तरफ से भी आप सबसे अपील की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, और इतनी संख्या थी पर्याप्त थी और आंदोलन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन कल जो अध्यक्ष साहब से वार्ता हुई, उस वार्ता का जो सार है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे शीतला प्रसाद ओझा जी। क्योंकि प्रतियोगी छात्रों का जो एक शिष्टमंडल अध्यक्ष साहब से मिलने गया था, उनमें शीतला प्रसाद ओझा जी भी थे, अनिल सिंह भी थे और कई सारे अन्य छात्र थे। तो वहाँ पर अंदर क्या बात हुई है और अब आगे की छात्रों की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से पद बढ़ाने की योजना है, किस तरह की परीक्षा होगी, कब तक परीक्षा होगी, सरकार की क्या मानसिकता है, आयोग की क्या मानसिकता है, इन सब बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे शीतला प्रसाद ओझा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और आगे की कैसे योजना है छात्रों की वो भी जान पाएंगे आप लोग। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। सभी भाइयों बहनों को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को जो हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन का आगाज किया था, आपने उसमें उसको सफल बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहा। मित्रों, मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो बेरोजगारी का दर्द है मित्रों, ये कहीं ना कहीं इससे हर युवा, हर विभाग का प्रतियोगी छात्र भाई बहन पीड़ित है। और जिस तरीके से कल चेयरमैन साहब से वार्ता हुई स्पष्ट, और उनसे करीब 45 मिनट बहुत विस्तृत वार्ता हुई, जिसमें कि वार्ता करने वालों में अनिल सिंह जी थे, ओम प्रकाश यादव जी थे, रीता शुक्ला जी थी, ललित यादव जी थे और टीचर एकेडमी के बी एन सर जी भी थे। तो मैं सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं मित्रों कि अगर हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। अब इससे बड़ा दर्द बेरोजगारी का न कभी आया था और न आएगा भविष्य में, इस बात को मान के चलिएगा। मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपने भाषणबाजी में, बयानबाजी में जो है दे रहे हैं कि हमने सभी विभागों को जो है आदेशित कर दिया है भर्तियों को, पदों को भरने के लिए। तो जब पद रिक्त है तो उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है। हम लोग जब गए अंदर तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी जो आयोग की अध्यक्ष है, हमने उस पर जो आयोग की नियमावली थी धारा 18, धारा 11, धारा 12, धारा 21 को लेकर, उस पर भी उन्होंने सहमति जताई। और क्या कहते हैं, सीट वृद्धि के मामले को जब हम लोगों ने उनके सामने इस प्रस्ताव को रखा, वो बहुत बाकायदे रखा है, जिस तरीके से रखना चाहिए। मैंने उनको वास्तव में जो एक क्या कहते हैं कि जो एक हमारी एक परंपरा सनातनी चली आ रही है, जिनका ढोंग भारतीय जनता पार्टी लगातार पीड़ती चली आ रही है, मैं उसके तहत उनको रखा हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री मैडम ने बयान दिया है 25,000 सीटों का, उसमें से उन पदों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जोड़ करके, अगर आप दिसंबर माह में परीक्षा आप यदि करा ले जाती हैं तो हम सीट वृद्धि की नहीं, या तो आप दिसंबर में परीक्षा करा लीजिए। अगर दिसंबर में परीक्षा संभव नहीं है तो इन पदों को इसमें बढ़ाने का कार्य किया जाए, ताकि अधिक ये 13,19,000 प्रतियोगी भाइयों की लड़ाई है जो है। तो उन्होंने बस केवल एक रटा रटाया बयान दे दिया है कि शासन जैसा कहेगा। तो मित्रों, आयोग के द्वारा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने पत्र माननीय आयोग शासन को भेज दिया है, शासन जैसे निर्णय लेगा हम वैसे करेंगे। तो
हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने के मूड में है मित्रों, इसलिए हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। मित्र समझ लीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि एक अगर हम आप रहे ना तो सरकारें बहुत सी आई और गईं, झुकी हैं और झुकेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मित्रों आप देख रहे हैं, कोई भी वैकेंसी अगर सही तरीके से सही समय से अगर हो रही हो तो आप बताइए, खुद आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बताइए, हम लोग यार तैयारी भी करें, आंदोलन भी करें, पोस्टर भी चिपकवाएं और अपने पैसे से जो है मतलब इधर उधर जा करके, तो ऐसा नहीं भाई साहब। सभी भाइयों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने कल अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मित्रों अब जो आंदोलन होगा वो अनवरत चलेगा और वो आंदोलन चलेगा सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर पर। आपका छोटा भाई आपकी हक की लड़ाई के लिए यदि आगे आ रहा है तो मित्रों हम आपकी केवल उपस्थिति मांगते हैं। अगर आप कल जितनी भीड़ उतारे थे इतना मित्रों अगर आप संघर्ष कर देंगे 10 दिन, इसके 4 गुना भीड़ ना उतार देंगे पत्थर गिरजाघर पे, तो मुझे लगता है कि ये गूंगी बहरी जो डबल इंजन की सरकार है वास्तव में झुकेगी। मित्रों आप देख रहे हैं कि LTGIC हद हो गई यार, हद हो गई। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे भारतीय संस्थाओं को जो है अगर रोजगार नहीं देना है तो नोटिस जारी करके बता दीजिए कि भैया हम भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग अपना जाके कोई काम धंधा करें। जब पद रिक्त है तो उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? मैं आज मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े ये विश्व की सबसे बड़ी करोड़पति पार्टी बनकर के उभर रही है, बताइए आप लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, तो मित्रों राजनीति अब पैसे की हो चुकी है। ये जितने मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के ये सब भ्रष्टाचार की संलिप्तता में लिप्त हैं। अगर 5 शब्द निकाल दिए जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो मित्र 5 मिनट भाषण जो है मंच में नहीं बोल सकते हैं। माँ गंगा, माँ सरजू, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और प्रभु श्री राम को निकाल दीजिए, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से छीन लिए जाए तो इनके पास 5 मिनट शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज जिस तरीके से प्रदेश का नौजवान दर दर की भटक रहा है, जिस तरीके से इनको शर्म आनी चाहिए जो है, तो मित्रों हमें आपको बस एक कार्य करना है कि एकजुट रहना है, एकजुटता दिखानी है, इस बात को याद रखिएगा। और मैं सभी भाइयों बहनों से भी अपील करना चाहता हूँ।